हेलो एवरीवन, क्या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आज हम फार्माकोग्नोसिस से ग्लाइकोसाइड चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। इनसे कुछ ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो एमसीक्यू कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका, इन ग्लाइकोसाइड द नॉन सुगर ग्रुप इज नोन एज। अब ये जो ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, ये क्या है? प्लांट मेटाबोलाइट है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं, ठीक है, जिसको हम मेडिसिनली यूज करती हैं। और ये जो ग्लाइकोसाइड है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन तो होगा ही, ठीक है, ग्लूकोज मॉइटी होगा ही। बट यहाँ पर क्वेश्चन आया आपका नॉन सुगर, ठीक है, जो कि ग्लूकोज मॉइटी ना हो, नॉन सुगर पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन, जेनिन एंड बॉन्ड, बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका जनरली यदि ग्लाइकोसाइड क्या होता है इसकी बात करें, ग्लाइकोसाइड आपके क्या है, ये ऐसे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसको हम मेडिसिनली यूज करेंगे। ये बहुत सारे मेडिसिन के प्रिपरेशन में यूजफुल होते हैं, ओके, बहुत सारे डिजीज के ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं ग्लाइकोसाइड, जो कि क्या है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब ये जो आपका प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये कैसे बनते हैं? ये क्या है, आपके टू पार्ट से मिलकर बनती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जब इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट आउट करते हैं ग्लाइकोसाइड को, जब हम स्प्लिट आउट करेंगे तो टू पार्ट में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक होगा आपका ग्लाइकॉन पार्ट, एक होगा ए ग्लाइकॉन पार्ट। ग्लाइकॉन पार्ट में समझ आ रहा है, ये जो आपका ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, ग्लाइको मींस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज मींस क्या हो गया, सुगर पार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, सुगर पार्ट। एक होगा सुगर पार्ट और एक है इसका नॉन सुगर पार्ट, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस नॉन सुगर पार्ट को हम क्या कहेंगे? तो आपको ऑब्वियसली समझ आ जाना चाहिए, ये जो ग्लाइकॉन है ये आपको क्या हो जाएगा, सुगर पार्ट है ये। और ये जो ए ग्लाइकॉन मींस ए, हम लोग जनरली कब लगाते हैं, आपने हिंदी में भी स्टडी किया होगा, अ लगा दिया जाता है ना, जब वो चीज नहीं रहती, तो ऐसी ए लगा दिया गया है, मींस ये क्या है, ये नॉन सुगर पार्ट है। और साथ ही साथ नॉन सुगर पार्ट को जेनिन के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी यहाँ पर आप ग्लाइकोसाइड आप स्टडी करेंगे, तो इनका जो जेनिन पार्ट रहेगा, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सफिक्स यहाँ पर जेनिन लगाना होगा, ठीक है। तो जहां पे भी जेनिन वर्ड आया, अब से आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये ग्लाइकोसाइड है भाई, और ये क्या है, ये इसका नॉन सुगर पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनिन उनके सफिक्स में लगा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बॉथ बी एंड सी होगा करेक्ट आंसर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब आ गया क्या है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है जब ग्लाइकोसाइड का, ओके, यदि इसके ग्लाइकोसाइड की हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, तो आपने देख लिया कि क्या है, टू पार्ट से मिलकर बना है। तो जैसे इसको सिंपली समझने के लिए, अब इसका यदि वर्क भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसका क्या वर्क होगा, तो जैसे कि आप समझ लीजिए क्या है, एक पेन है, ओके, पेन को आपने देखा होगा, तो यदि इसको आप स्प्लिट आउट करें, समझ लीजिए ग्लाइकोसाइड है, इसको आपने क्या किया, बाहर निकाला, तो ये हो गया आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट और ये है ग्लाइकॉन पार्ट। तो आप जानते ही ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप किससे वर्क लेते हैं, वर्क किसके लिए होता है, ठीक है, वर्क किस में होता है आपका, होगा ये आपके पेन से, है ना, इसका जो बॉडी है उससे। कैप का कोई काम नहीं रहेगा, ज्यादातर क्या करेगा, कैप सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, बट वर्क किससे करेंगे आप, इसके बॉडी पार्ट से। वैसे ही क्या है, ए ग्लाइकॉन पार्ट मीन्स जो इसका बेसिक जो आपका वर्क होगा, ठीक है, जो आपके ग्लाइकोसाइड है वो जो सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट है, तो ए ग्लाइकॉन पार्ट है जो कि क्या होता है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार से छोटे से आप टेक से समझ सकती हैं, ये जो आपके ए ग्लाइकॉन पार्ट रहेंगे वही क्या होंगे, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपका जो ग्लाइकॉन पार्ट है वो भी कोई एक्टिविटी शो ना करे, ये जो आपका ग्लाइकॉन पार्ट है, जैसे ये इसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है, वरना ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका पेन है वो सूख जाता है ना। तो वैसे ही जो ग्लाइकॉन पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकॉन पार्ट क्या करेगा, इसके जो ट्रांसपोर्ट का हो गया, एब्जॉर्प्शन, बिना एब्जॉर्प्शन के आपको थेरेप्यूटिक एक्टिविटी तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकॉन पार्ट है वो क्या करेगा, इसके एब्जॉर्प्शन में काम आएगा। अब यहाँ पर सेकेंड बात आप नोटिस कर लीजिए कि ये क्या होगा, जैसे कि जेनिन लगा हुआ होगा, जितने भी आपके नॉन सुगर ग्रुप होंगे उनके सफिक्स में क्या होगा, आपका जेनिन लगा होगा। और रही बात यदि सुगर पार्ट, जिसको हम ग्लाइकॉन पार्ट कहते हैं, उसमें ओज लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से जब भी आपको कोई केमिकल कॉन्स्टेंट मिले और जिनके आपके सफिक्स में जेनिन लगा हो या ओज लगा हो, तो ये जान जाइएगा कि ये ग्लाइकोसाइड कंटेन करती है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड आर
कलर्ड इन नेचर। देखिए यहाँ पे अब प्रॉपर्टी से पूछी गई है। ग्लाइकोसाइड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, केमिकल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें जानना जरूरी है, उसके बाद ही हमको स्पेसिफिक ड्रग को स्टडी करना चाहिए। ओके, तो यदि कलर की बात करें तो कलर इनमें कौन से ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट होता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस है आपके स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड, कार्डियक, फ्लेवोनॉइड एंड एंथ्राक्विनोन, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन से आपको दे दिया गया है क्लासिफिकेशन। इसमें आपको पहचानना है कौन सा ऐसा ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन जो कि कलर्ड होते हैं। ठीक है, जनरली जो आपके ग्लाइकोसाइड अल्कलॉइड होते हैं मेनली कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप का जो आपके ग्लाइकोसाइड है जो कि कलर्ड है उसको पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लेवोनॉइड एंड एंथ्राक्विनोन। फ्लेवोनॉइड एंड एंथ्राक्विनोन जो आपके ग्लाइकोसाइड है वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ओके, कलरफुल होते हैं। जनरली जो आपके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात करें तो मोस्ट ग्लाइकोसाइड क्या होंगे, उनमें कोई कलर नहीं होगा। ओके, कोई कलर नहीं होता है, बट ये स्पेशल टाइप है, एक्सेप्शन है कह सकते हैं, और जनरली एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, एंथ्राक्विनोन जो कि रेड और ऑरेंज कलर का होता है, और फ्लेवोनॉल जो कि येलो कलर का होगा आपका ड्रग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फॉलोइंग आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है ये हमें जानना है। ऑप्शंस है रेमन टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट एंड ड्रैगन डॉफ टेस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखा जाए तो। ठीक है, आपने यदि क्वेश्चन स्टडी किया होगा, इसके पहले हमने जब ग्लाइकोसाइड पार्ट वन डाला था तब हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में डाला था। ठीक है, डिजिटलिस वो भी क्या है, ग्लाइकोसाइड का ही पार्ट है। उसमें हमने देखा था एक अच्छा सा ट्रिक, जिससे आप यदि उस ट्रिक को याद रखते हैं तो अभी तक ये वाला क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो भी जाता। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा रेमन टेस्ट। रेमन टेस्ट जो कि क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अल्टीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके डिजिटलिस से, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया है, क्या लिखकर सिर्फ यहाँ पर ग्लाइकोसाइड। ओके, ग्लाइकोसाइड के लिए स्पेसिफिक पूछ दिया गया है, तो आखिर रेमन टेस्ट में तो होता ही है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि म्यूरेक्साइड टेस्ट हो गया, ड्रैगन डॉट टेस्ट, ये तो किसके लिए होता है, एल्किलॉइड्स के लिए होता है, जिसके बारे में हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कितने आपके जितने भी ग्लाइकोसाइड हो गए उनके टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए है, ये आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, डिजिटलिस के लिए जो आपका टेस्ट है उसके बारे में दिया गया है। इसके लिए हमने ट्रिक भी देखा था, आपको ट्रिक याद हो, नहीं तो आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्या था, एक क्या है, किड है। ठीक है, क्या था ट्रिक याद करने का, इसमें एक क्या है, किड है। किड मीन्स क्या हो गया, बालक। ओके, बालक है एक, और क्या हो गया, उस बालक को क्या चाहिए, रेमंड कंपनी का लेबल चाहिए था। ठीक है, बालक को क्या चाहिए, रेमंड, रेमंड कंपनी का क्या चाहिए, लेबल चाहिए, जो कि दिखने में कैसा है, बहुत ही सुंदर है। ओके, बहुत ही सुंदर, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग उसको, किलर लग रहा है कह रहे हैं। ओके, बट उसको खरीदने के लिए उसके पास क्या है, मनी नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इस सिक्वेंस को, आपको क्या करना है, किड, किड से क्या हो जाएगा, कैट टेस्ट, बालक से क्या हो जाएगा, बालजेट टेस्ट, एंड क्या लेना था उसको, रेमंड कंपनी, रेमंड से रेमंड टेस्ट, यही आपको पूछा गया था। क्या लेना था, लेबल लेना था, लेबल से आपको क्या याद रखना है, लीगल याद रखना है। और इसके कारण वो जो वो कैसा दिखता था, वो लेबल था बहुत ही सुंदर, क्या बोलते हैं उसको, किलर लग रहा है कहते हैं। ठीक है, आजकल जनरली कहते हैं ना, जो क्या है बहुत अच्छा दिखता है उसको किलर लग रहा है। तो क्या होता था, ये कैसा लग रहा है, बहुत ही किलर लग रहा है। ठीक है, और ये जो आपका जो लेबल था जो कि किलर लग रहा है, उसको खरीदने के लिए उस बालक के पास क्या था, पैसे तो नहीं थे, तो एंटी मनी, मनी नहीं है, एंटी मनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। तो इस प्रकार से पूरे आपके क्या है, ये आपके जनरली डिजिटलिस के लिए टेस्ट है, ये जो आपके जितने भी दिए गए हैं डिजिटलिस के लिए दिया गया है। और साथ साथ यदि हम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड टेस्ट की बात करें, तो ये जो आपका ब्रॉन टैगर टेस्ट है, मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट है, ये दोनों होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। तो यहाँ पे जितने भी ग्लाइकोसाइड के टेस्ट आप एक साथ लिख कर रखे रहें, ताकि आपको क्या है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे चलते देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। देन है आपका किलर किलारी टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी जस्ट यदि आपने ट्रिक पर ध्यान दिया होगा तो ये आपको छुट्टियों में आंसर कर लेंगे। ऑप्शन क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड एंड बिटर ग्लाइकोसाइड। तो किलर किलारी टेस्ट अभी जस्ट हमने स्टडी किया था, बहुत अच्छा ट्रिक था, बालक को क्या चाहिए था, एक किलर लगने वाला लेबल, तो क्या था, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। किसके लिए था, डिजिटलिस, डिजिटलिस किसके अंदर आता है, आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। तो
चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस किलर किलानी टेस्ट के में क्या क्या रिएजेंट यूज होता है, क्या कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये इसमें क्या करेंगे, आप जो ड्रग लेंगे मेनली जो किलर किलानी टेस्ट है वो किसके लिए है, आपके डी ऑक्सी शुगर के लिए। ठीक है, डी ऑक्सी शुगर के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब क्या करेंगे आप, इसमें क्लोरोफॉर्म आपने लिया, ओके, ड्रग के साथ क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे और उसमें गैसियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, साथ ही साथ फेरिक क्लोराइड ऐड किया, तब कौन सा कलर ये प्रोड्यूस करेगा, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर ब्लू कलर ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कलर को भी आपको साथ ही साथ याद रखना होगा, छोटा सा टेस्ट है जरूर से इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है परगेटिव एंड लेग्जेटिव एक्शन इज शोज बाय, ठीक है, परगेटिव एंड लेग्जेटिव एक्शन किसके द्वारा शो किया जाता है, ऑप्शन है आपके रूबाब, कैस्केरा, एलो एंड ऑल ऑफ द अबू। तो ये जितने क्या है, ये है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। जनरली यदि आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा, ठीक है, प्रीवियस आपके क्लास में, तो क्या था ये, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। और ये तीनों क्या होंगे, मेनली जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं ये परगेटिव और आपके लेग्जेटिव की तरह एक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा टेबल दे दिया गया है, जितने भी आपके क्या है यहाँ पर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दिया गया है और यहाँ पर ड्रग दिया गया है। ठीक है, ये जो आपका टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे इमेटिक दे दिया गया है, ब्लैक मस्टर्ड है करके, ओके, क्वेश्चन आपका आया था लेग्जेटिव और परगेटिव से, जो कि एलो, सेना, कैस्केरा, रूबाब, ये सारे क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के भी एग्जांपल होंगे। तो दोनों टाइप से आपके फार्माकोलॉजिकल यहाँ पर भी क्लियर हो जा रहा है क्लासिफिकेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, जैसे कि जिनसेंग हो गया, पिक्रोइजा है, साथ ही साथ पिक्रोइजा हेपेटोप्रोटेक्टिव भी होता है। तो इस प्रकार से यदि आप इस टेबल को याद रख लिया तो ईजिली से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड आर यूज एज बिटर टॉनिक, इनमें से कौन सा ऐसा ग्लाइकोसाइड है जो कि बिटर टॉनिक की तरह यूज होता है। फिर से ये आया है आपकी यूजेस से, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके एक स्पेसिफिक यूजेस है, इसीलिए इसलिए यूजेस जरूर से आपको ध्यान देना है। ओके, ऑप्शन है वाइट चेरी बार्क, पिक्रोइजा, डाइस्कोरिया एंड लिकोरिस। यहाँ पे क्वेश्चन आया बिटर टॉनिक, बिटर टॉनिक की तरह क्या कौन सा जो ड्रग है वो यूज होता है, तो वो है आपका पिक्रोइजा। ठीक है, पिक्रोइजा जो कि किसमें, अभी आपने जस्ट देखा जिसका क्या कर रहे हैं हम लोग, हेपेटोप्रोटेक्टिव की तरह भी यूज होता है पिक्रोइजा। ओके, तो ये जो आपका पिक्रोइजा है ये क्या है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, साथ ही साथ बीटर ग्लाइकोसाइड अभी जस्ट आपने देखा था, ओके, और ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है। तो इस प्रकार से मैंने कहा था ना, एक टेबल से आपको कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो टेबल एक बार याद रहेगा तो आपको इजिली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉथिंग ऑन सेकिंग ऑफ पाउडर विथ वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, फ्रॉथिंग मींस क्या हो गया, झाग बनना, ठीक है, फोम बनना जिसको कह सकते हैं। यदि हम सेक करें किसके साथ, वाटर के साथ, यदि कोई पाउडर दिया गया है आपको, ओके, और उसको आप सेक कर रहे हैं, मींस फोम बन रहा है, मींस ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है आप समझ सकते हैं, थोड़ा समझने की यदि कोशिश करें तो, यदि आपने पाउडर लिया ही होता है ना, आपका जो डिटर्जेंट पाउडर रहता है उसको आप क्या करें, वाटर के साथ सेक करते हैं तो क्या बनाता है, फोम बनाता है ना, यही तो पूछा गया है, यही पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, एल्कलाइड, सेपोनिन एंड कार्बोहाइड्रेट नॉन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है ऑप्शंस पर। तो यहाँ पे लिखा है सोप, ठीक है, पहले ही इंडिकेट कर रहा है, ये जो सेपोनिन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं हूँ क्या, सोप हूँ। ठीक है, सेपोनिन क्या इंडिकेट कर रहा है, सोप को। तो सोप ये ऐसे होते हैं जो कि क्या करेंगे, फोम बनाते हैं। छोटा सा ट्रिक लगाएं, क्या बनाएंगे, ये फोम बनाएंगे जब हम वाटर के साथ इसको क्या करेंगे, सॉल्युबलाइज करेंगे, फ्रॉथिंग की जिसको बोलते हैं, फ्रॉथिंग जब ये क्या करेगा, जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता रहता है वैसे ही फोम दिखाई देता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉथिंग कहते हैं। तो क्या होता है, जब हम सेपोनिन जो आपके ग्लाइकोसाइड होंगे, सेपोनिन जिनमें मॉइटी रहेगा, केमिकल कॉन्स्टेंट रहेगा, वो क्या होते हैं, वो सोप लाइक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जब उसको वाटर के साथ हम मिक्स करेंगे तो ये क्या होता है, फ्रॉथिंग इफेक्ट देता है, मीन क्या करेगा, झाग बनाएगा, यदि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके सेपोनिन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से देखिए, केमिकल टेस्ट यदि हम करते हैं सेपोनिन का, तो आपने क्या करेंगे, यदि आप पाउडर के साथ यदि आप वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से झाग बनाएगा। इस टेस्ट ट्यूब में आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से झाग ये बनाता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉथिंग टेस्ट। नेक्स्ट है, डाइस्कोरिया इज द एग्जांपल ऑफ,
डाइसको या कौन से आपके कैटेगरी में आता है ग्लाइकोसाइड की, ये है आपका ऑप्शन देखते हैं, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, सेपोरिन ग्लाइकोसाइड एंड फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डाइसकोरिया। डाइसकोरिया किस में आता है, डाइसकोरिया आपका सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है जनरली, ठीक है। यदि यहाँ पे वैसे तो इसका क्या होता है, स्टेरॉयडल भी होता है, ठीक है, स्टेरॉयडल सेपोनिन, इसमें क्या होगा स्टेरॉयडल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, बट यदि मोर एप्रोप्रिएट आंसर यदि पूछा जाए तो यहाँ पे सेपोनिन ही होगा, ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्योंकि जनरली आपको क्या किया जाता है इस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए, अब सोचेंगे डायस्कोरिया में तो स्टेरॉयडल न्यूक्लियस भी होता है, ओके, तो यहाँ पे जनरली या तो आपको ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, ठीक है, ये स्टेरॉयडल ऑप्शन नहीं मिलेगा, और यदि ऑप्शन यहाँ पे मिला भी, ठीक है, स्टेरॉयडल ऑप्शन मिला भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको सेपोनिन ही जाना है, क्योंकि ये जो आपको डायस्कोरिया है क्या है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है, इसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस तो होगा, ठीक है, बट स्टेरॉयडल जो आपके ड्रग है जो मेनली जैसे कि आपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड में पढ़ा था वो ज्यादातर इसको स्टेरॉयडल में काउंट करते हैं, बट ये आपका क्या है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड में आएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किससे रिसेंबल करती है आपके सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। देखिए वही मैंने बात किया, ये जो स्टेरॉयडल होते हैं वो डिजिटल स्थिलेटिया को कह सकते हैं, ठीक है, बट आपका सेपोनिन ग्लाइकोसाइड मेनली क्या है डाइसकोरिया होता है, ओके, इसमें भी आपके स्टेरॉयडल मॉइटी होंगे बट आपका जो सेपोनिन है वो क्या होगा डाइसकोरिया ही आएगा, ठीक है, जो क्या है डाइसकोरिया लिक्वेरी जैसे म्यूलेटी जिसको हम कहते हैं, ये होते हैं सेपोनिन जो कि क्या करते हैं फोम प्रॉपर्टी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन, इसको हमने कई बार ये ट्रिक से देख लिया है, आपको इजी से याद होगा। आंसर करेंगे ऑप्शंस है डिजिटेलिस, ओपीएम, इफेड्रा एंड एलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपने ट्रिक देखा था प्रीवियस क्लास में तो आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे, ये क्या था डिजिटेलिस। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे आपको याद करना है, डिजिटेलिस स्टेरॉयडल एंड कार्डियक दिया गया है, ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, कार्डियक किसके लिए हम यूज करते हैं, ये हम लोग जनरली कार्डियक का यूज किया जाता है हार्ट के लिए, ठीक है, जैसे कि क्या करेंगे कार्डियक का यूज किया जाता है हार्ट के लिए, तो हार्ट से आपको क्या याद रखना है दिल, ठीक है, दिल याद रखना है, कार्डियक से क्या हो जाएगा दिल, दिल से डिजिटेलिस, और आपका दिल कैसा है स्ट्रांग है, स्ट्रांग से क्या हो जाएगा स्टेरॉयडल, स्ट्रांग था, ठीक है, स्ट्रांग था तो किल करना मुश्किल था कह सकते हैं, तो किल से हो जाएगा स्किल, और था से थीवेटिया, ठीक है, था से थीवेटिया हो जाएगा और किल से हो जाएगा स्क्विल। तो इस प्रकार से आपको जो स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड है उनके पूरे क्लासिफिकेशन एक ट्रिक से याद हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए हमने और ट्रिक वगैरह करके डाला भी हुआ है, ठीक है, तो आगे हम देखते जाएंगे पूरे आपके जो क्लासिफिकेशन है उनको हम लोग इजी से जो आपके जुडिशियल एडिटर चैनल पर आप जाकर देख भी सकते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जितने भी आपके ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक एक स्टोरी से दिया गया था, बहुत ही बढ़िया ट्रिक यहाँ पर है, आपको पूरे ग्लाइकोसाइड का जो आपका क्लासिफिकेशन है इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और देखते हैं, नेक्स्ट है विच पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। ओके, ग्लाइकोसाइड का कौन सा पोर्शन है जो कि क्या होता है केमिकल और इसके थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने ग्लाइकोसाइड के पूरे इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बताया, इसके बाद आपको इजिली से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ए ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन ओस और जेनोस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप ही बताइए, मैंने एक पेन का एग्जांपल भी दिया था, पेन में मैंने क्या बताया था जो आपका बॉडी पार्ट है वो क्या है ए ग्लाइकॉन पार्ट, हमेशा उसको देखकर याद रखेंगे क्या है वो ए ग्लाइकॉन पार्ट, और उसी का हम लोग मेनली यूज करते हैं, तो वो क्या होगा थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट, उसी के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए थेरेपेटिक एक्टिविटी चाहिए किसी भी ड्रग का। ओके, तो जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है हमेशा बॉडी से याद रखेंगे वो क्या होगा केमिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए। ओके, बट हमने ये भी बताया था जो ग्लाइकॉन पार्ट रहेगा वो क्या होगा, वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई काम नहीं है, ये क्या करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा उसका और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये सारे दोनों टर्म को आपको याद रखना है, कोई भी आपके ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एस ग्लाइकोसाइड द सुगर मॉइटी डायरेक्टली लिंक्ड टू डैश ए ग्लाइकॉन पार्ट। ये जो एस ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, एस ग्लाइकोसाइड में कौन सा आपका लिंक रहेगा कौन सा मॉइटी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि एस फॉर आप यहाँ पर से तुरंत ही टिक कर जाएंगे। ऑप्शन है कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, सल्फर एटम एंड नाइट्रोजन। तो एस फॉर आपको क्या याद रख लेना है सल्फर एटम याद रख लेना है। ओके, चलिए तो इसको अच्छे से समझने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी देख लेते हैं जितने भी आपके क्लासिफिकेशन है ग्लाइकोसाइड के।
ओके यहाँ पे मेनली ये जो आपका एग्लाइकॉन पार्ट और ग्लाइकॉन पार्ट, ओके ये जो आपका एग्लाइकॉन पार्ट है और ये जो ग्लाइकॉन पार्ट है उसके बीच में लिंकेज है, ठीक है। ये एग्लाइकॉन पार्ट जो कि क्या है, थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये आपका ग्लाइकॉन पार्ट है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए, इनके बीच में जो लिंकेज है, ठीक है। एग्लाइकॉन पार्ट और ग्लाइकॉन पार्ट जिस मॉइटी के थ्रू क्या रहेगा, लिंक्ड रहेगा, इनके बीच का रिश्ता है कह लीजिए, यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया है और इससे जनरली क्वेश्चन आते ही है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है क्लासिफिकेशन सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एस और एन ग्लाइकोसाइड। मींस यहां पर क्या है, यदि आपको यहां पे जो लिंकेज है वो क्या हो गया, कार्बन का लिंकेज है तो सी ग्लाइकोसाइड कहलाएगा, यदि यहां पर ऑक्सीजन का लिंकेज है तो ओ ग्लाइकोसाइड कहलाएगा, और यदि यहां पर सल्फर का लिंकेज रहेगा तो एस ग्लाइकोसाइड ये कहलाएगा, ठीक है। आप समझ गए क्यों इनका लिंकेज है, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। अब इनके एग्जांपल पर आएंगे, ओके। एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि सी ग्लाइकोसाइड, तो उसका एग्जांपल है एलो कैस्केरा कोक्रियल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते ही है इनके एग्जांपल से, तो इनको आपको कैसे याद रखना है ये हम सीखते हैं। तो यहाँ पे आपने सुना होगा ए सी सी सीमेंट, सुना है, तो सीमेंट से आपको क्या याद रहेगा, सी ग्लाइकोसाइड, और ए से एलोवेरा, सी से आपको कैस्केरा, एंड सी से आपको कोक्रियल है, वो इजिली से याद रहेगा, ए सी सी सीमेंट लगाकर आप लोग याद रख सकते हैं। सेकेंड है आपका ओ ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड को कैसे याद रखेंगे आप, ओ आर एस, ओ आर एस घोल आपने पिया है, ठीक है, ओ आर एस जानते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, ट्रिक बना लेना है, ओ से क्या हो जाएगा, ओ ग्लाइकोसाइड के लिए आपका ट्रिक है, ठीक है, आर से हो जाएगा रुबाब, एस हो जाएगा सेन्ना, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपका, एस फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर सिनिग्रीन, ओके सिनिग्रीन, एस मीन्स सल्फर, सिनिग्रीन मीन्स किसमें प्रेजेंट होता है, जो कि आपके मस्टर्ड में, एस फॉर देखिए यहाँ पे मस्टर्ड में एस है ना, तो इससे आपको याद रख लेना है कि ये क्या है आपका एस ग्लाइकोसाइड के अंदर आएगा, और जितने भी न्यूक्लियोसाइड होंगे वो क्या होंगे आपके एन ग्लाइकोसाइड, इनमें क्या होगा नाइट्रोजन का लिंकेज होता है, ओके। तो इस प्रकार से लिंकेज के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, जरूर से इनको आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर्स यूज इन स्टार्स ऑटो मेथड, ठीक है, स्टार्स ऑटो मेथड जो कि क्या है, एक मेथड है जिससे कि हम एल्किलाइड को एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उस एक्सट्रैक्शन में कौन सा ऑपरेटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होता है ये पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सॉक्सलेट ऑपरेटर्स, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड, डाइस एल्डर मेथड एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए एक छोटा सा फिर से ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है स्टार्स ऑटो, ठीक है, एस और ओ दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक लगा लेना है ये एस ओ और ये एस ओ सी, ठीक है, तो ये क्या है सॉक्सलेट ऑपरेटर्स, इस प्रकार से पूरा आपको याद हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर का ऑपरेटर्स, ठीक है, क्या है सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। चलिए जानते हैं सॉक्सलेट ऑपरेटर्स के बारे में और ग्लाइकोसाइड के आपके जितने भी ये क्या है एक्सट्रक्शन कैसे करते हैं वो, ओके। एल्किलाइड का भी एक्सट्रक्शन इसी प्रकार से ही होता है, एल्किलाइड का को भी स्टार्स ऑटो मेथड से भी एक्सट्रक्शन करते हैं, ओके। एल्किलाइड में भी ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो ये स्टार्स ऑटो, ठीक है, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने ये जो आपका ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रक्शन का मेथड दिया था, ओके, इसीलिए इनको स्टार्स ऑटो मेथड कहते हैं। सॉक्सलेट ऑपरेटर्स इस प्रकार से ऑपरेटर्स होता है जिसमें आप देख रहे हैं राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पे एक हीटिंग मेंटल रहता है जिससे कि इसमें क्या होता है हीट जाता रहता है। आप क्या करेंगे यहाँ पे जो थिम्बल लगा हुआ है, ठीक है, ये थिम्बल में क्या रखा हुआ है आपका ये ड्रग, जो सैंपल ड्रग है उसको जिसको आपसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मेडिसिनल एक्टिविटी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, ये लगा हुआ है सैंपल में। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपका लगा हुआ है सीफॉन ट्यूब, ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होगा मीन्स यहाँ पर वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट का यहाँ पर दिया भी गया है, ओके। अब क्या करेंगे, जब आपने क्या किया ड्रग को डाला है, अब क्या करेंगे एक बार आप सॉल्वेंट डाल देंगे जिससे कि आपका पूरा यहाँ पर आ जाए सॉल्वेंट इसे राउंड बॉटम फ्लास्क में, यहाँ से हीटिंग मेंटल से हीट हो रहा है तो ये क्या होगा, ये जो आपका सॉल्वेंट है हीट होकर कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा इस सिफॉन ट्यूब से होते हुए इस कंडेंसर में, ठीक है, गया, ये जो आपका वो स्टीम बनकर गया ना, यहाँ पे आप सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टीम बनकर जाएगा, उसके बाद जब ये क्या हो जाएगा कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर मीन्स सी फॉर क्या समझ लीजिए कूल करेगा, ये वाटर इनलेट आउटलेट हो रहा है मीन्स यहाँ पर क्या है टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टीम है फिर से क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, जो कि आपकी यहाँ पर थिम्बल में आपने रखा है जो आपका ड्रग, इसको होता हुआ इसको पास करते हुए ये फिर से कहाँ जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क में। इस प्रकार से एक कंटिन्यू ये एक्सट्रैक्शन चलते रहता है फिर अल्टीमेटली आपको कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पर केमिकल जो आपका है मेन जिससे कि थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करता है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा।
ओके, यही मेथड है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके ग्लाइकोसाइड है उनका स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सॉक्सलेट नाम के वैज्ञानिक ने इस अपरेटस को दिया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉक्सलेट अपरेटस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ड्रग इज यूज एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट यूजर्स से जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए यूजर्स को कई बारी आप देखें। तो ये क्या है एक्सपेक्टोरेंट? एक्सपेक्टोरेंट कौन से ड्रग होते हैं जो कि क्या करेंगे, एक्सपेल आउट। ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट नाम से यहाँ पर क्लियर है, ये क्या कर रहा है, एक्सपेल आउट कर रहा है किस चीज को, ये जो आपका म्यूकस है, ठीक है। जैसे कि आपको जनरली क्या हो जाता है, कफिंग होते रहती है, क्या हो जाता है, म्यूकस इंक्रीज होता है, इसको क्या करेगा ये, एक्सपेल आउट करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। तो कौन से ड्रग ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होंगे, ये हमें देखना है। ऑप्शन है एलो, गोखरोस, जिनसेंग एंड लिक्वेरिस। तो ये आपने सुना होगा लिक्वेरिस, मुलेठी जरूर से खाया होगा, जब भी आपको कफिंग हुआ है तो आपने मुलेठी का यूज जरूर से किया होगा। तो वो मुलेठी क्या होता है, वही लिक्वेरिस कहलाता है। ये जो लिक्वेरिस है जिसका हम यूज क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट की तरह करते हैं। साथ ही साथ वाइल्ड चेरी बार्क है, उनका भी यूज एक्सपेक्टोरेंट की तरह किया जाता है। और आपके ऑप्शन में दिया गया था जिनसेंग जो कि मॉड्यूलेटर है, ठीक है, इम्यून मॉड्यूलेटर है। और आपके जितने भी आपके ड्रग हैं यहाँ पर आप इस टेबल से इजी से याद रख सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं टेबल को अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, जितने भी आपके ग्लाइकोसाइड के टेस्ट हैं, तो आपको जरूर से उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से स्टडी किया तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी से बन जाएगा। ऑप्शन देखते हैं ब्रॉनटेगर टेस्ट, मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट, लिवर वन बट चांड टेस्ट एंड बॉथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए ब्रॉनटेगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट दोनों किया जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए तो इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट, ब्रॉनटेगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट में किया क्या जाता है ये भी जान लेते हैं, और क्या होगा ताकि कोई भी टेस्ट यदि आता है इसके रीजन से भी क्वेश्चन आए या कलर से क्वेश्चन आए तो आप उसको इजी से सॉल्व कर जाए। तो क्या है ब्रॉनटेगर टेस्ट, जो कि क्या, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। अब ये बताइए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की क्या एग्जांपल थी, बहुत अच्छा ट्रिक भी देखा था उसके लिए। तो ये जैसे एलो, सेन्ना, कैस्केरा जो कि क्या थे आपके परगेटिव लैक्सेटिव थे, वो क्या है आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल थे। तो ये क्या था ब्रॉनटेगर टेस्ट, जिसमें क्या करेंगे आप ड्रग लेंगे, जैसे कि आपका सेन्ना हो गया है ना, उसको आपने लिया, सेन्ना को आप क्या करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपने ऐड किया। ओके, अब क्या करेंगे इसमें आपको क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म ऐड करना है, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन ऐड करेंगे और उसमें अमोनिया ऐड करते हैं। तो जब आप अमोनिया ऐड करेंगे तो आपको अमोनिकल लेयर क्या दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई पड़ता है, जो कि इंडिकेट करता है एंथ्राक्विनोन को, ठीक है, एंथ्राक्विनोन मॉइटी इसमें प्रेजेंस है ये इंडिकेट करेगा। यही बात करें मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट की, ठीक है, मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट में सिर्फ क्या करना है आपको, एक रिएजेंट है वो चेंज हो जाएगा जो कि है फेरिक क्लोराइड, इसमें ऐड होगा और साथ ही साथ इसमें आपको ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे आपने भी एसिड ऐड किया था H2SO4, यहां पे आपको HCl को ऐड करना है बस, और कुछ भी नहीं है। बेंजीन वगैरह तो उसमें भी आपने ऐड किया था, उसके बाद अमोनिया आपने ऐड किया था, वही आपको फिर से प्रोसेस करना है। अल्टीमेटली ये क्या करेगा, पिंक कलर जो यहाँ पर भी प्रोड्यूस कर रहा था वही पिंक कलर ये भी प्रोड्यूस अल्टीमेटली करता है, केवल आपका जो रिएजेंट था वो चेंज हुआ। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट में आपके जो ब्रॉनटेगर टेस्ट है उससे कौन से केमिकल में डिफरेंस है, तो आप ये फेरिक क्लोराइड को एटलीस्ट याद रखिए, ठीक है, FeCl3 है वो क्या होता है इसमें मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट में यूज होता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको इजिली बन जाएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉइटी ऑफ ग्लाइकोसाइड इज कंसाइडर्ड टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपका आया है फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है कौन सा ऐसा मॉइटी है ग्लाइकोसाइड में। ग्लाइकोसाइड के बेसिकली 2 मॉइटी थी, आपने देखा था ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन। तो ए ग्लाइकॉन क्या कर रहा था, अभी हमने देखा था इसी क्वेश्चन आया था, उसमें क्या किया वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल के लिए होता है, ठीक है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट जो ग्लाइकॉन पार्ट था वो भी तो एक्टिव था, वो क्या करता था, ये जो आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था, उसको ट्रांसपोर्ट करता था, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है तब तक उसमें बाइंड नहीं करेगा वो कैसे एक्ट करेगा। ओके, तो इसीलिए ये जो आपका ग्लाइकॉन पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्लाइकॉन पार्ट है जिसके कारण ये क्या होता है, ये आपके एब्जॉर्प्शन को कराता है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं ये आपका क्या है ग्लाइकोन पार्ट, और ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ही ली। ओके, क्या होता है ग्लाइकोन पार्ट, ए ग्लाइकोन पार्ट सारी चीजें स्टडी की, लिंकेज के लिए हमने देख लिया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये सारी चीजें क्लियर कर ही ली है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन स्क्विल बिलोंग टू द फैमिली, इंडियन स्क्विल मीन्स क्या है, ये आपका स्क्विल एक प्याज जैसा आपका ये आपका ड्रग है, अभी देखेंगे जस्ट इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये जंगली प्याज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सी ओनियन भी कहा जाता है इसी को, इंडियन स्क्विल है जो, इसकी फैमिली क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन है एपोसाइनेसी, लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड रेमनेशी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये लिली एसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखिएगा कैसे इसको याद रखना है आपको, ये क्या होता है जंगली प्याज इसको कहते हैं, जनरली आपका जो कॉमन प्याज रहता है उसे ये साइज में बहुत बड़ा रहता है, इस प्रकार से ये रहता है बहुत ही बड़ा होता है शेप में, और ये सी इसको कहते हैं, सी ओनियन भी कहते हैं क्योंकि जनरली समुद्री एरिया में ज्यादातर पाया जाता है। ओके, इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो अर्जिनिया इंडिका और अर्जिनिया मैरिटिमा इसका क्या होता है बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली है लिली एसी, ठीक है, लिली एसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा जनरली जो लिली एसी फैमिली से बिलोंग करते हैं इस प्रकार से उनमें बने होते हैं, इस प्रकार से जरूर से उनमें बने होते हैं। तो इस प्रकार से छोटा छोटा ट्रिक लगाकर भी आप याद रख सकती हैं। ओके, लिली एसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट चलेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्टोपेंथस, स्टोपेंथस का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है। ऑप्शन है स्टोपेंथस कॉम्बी, स्टोपेंथस ग्रेटस, अर्जिनिया मैरिटिमा एंड नॉन ऑफ द अबो। स्टोपेंथस का यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टोपेंथस कॉम्बी। चलिए जानते हैं क्या होता है स्टोपेंथस, तो स्टोपेंथस जो कि आपका क्या है, ये आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर ये भी ड्रग आता है। ओके, ये ड्रग भी क्या है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है, स्टोपेंथस कॉम्बी से ऑब्टेन होगा, एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है आपका अनपील्ड रूट ऑफ लिक्वेरिस इज बिटर इन टेस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो आपका लिक्वेरिस है मुलेठी है, ठीक है, जनरली लिक्वेरिस को आपने सुना होगा कि ये स्वीट टेस्ट के लिए जाना जाता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है आपके बिटर टेस्ट के लिए, ठीक है, तो बिटर टेस्ट के लिए ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा जो मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनसे क्वेश्चन आते हैं, यदि कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर किसी ऑर्डर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, आंसर क्या है आपका ये देख लेते हैं, तो आपका मैरोजेंटिन हो गया, ग्लिसराइमेरिन एंड कैस्कैरोजेनिन एंड ग्लिसराजिन। तो आपका यदि हम बात करें यहाँ पर बिटर का बोला गया तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ग्लिसरामेरिन, यदि यहीं पर स्वीट टेस्ट के लिए बोलता तो ग्लिसराइटेनिक एसिड होता है इसमें जो कि होगा स्वीट टेस्ट के लिए। ये देखिए केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है लिक्वेरिस का, जिसको हम मुलेठी कहते हैं। ओके, मुलेठी कहते हैं ये जो ग्लिसराजिन है, ठीक है, ग्लिसराजिन जो कि क्या होता है ये होगा कैल्शियम और पोटेशियम साल्ट होता है ग्लिसराजिनिक एसिड का, ये होता है स्वीट टेस्ट का। बट यहाँ पर पूछा गया आपको बिटर टेस्ट जो कि है आपका ये जो आपका केमिकल कॉन्स्टेंट है ग्लिसरामेरिन, ठीक है, ग्लिसरामेरिन ये होगा बिटर टेस्ट के लिए। तो दोनों चीजें एक साथ याद कर लीजिए, यदि बिटर पूछा जाए तो ग्लिसरामेरिन में जाना है, और यदि आपको स्वीट टेस्ट पूछ लिया जाए तो यहाँ पे जो ग्लिसराइटेनिक एसिड है उसको टिक करना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इन सारी चीजों पर, सारी चीजें एक साथ आपको ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए टू रिगार्डिंग है, ठीक है, मतलब कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि सही होगा ये आपको टिक करना है। ऑप्शन है ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड है सोप लाइक एक्शन, ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइड बाय हिमोलाइटिक इंडेक्स, ऑप्शन सी है केमिकली कंटेन्स ए ग्लाइकोन आर सेपोजेनिन, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए यदि हम स्टेटमेंट वन की बात करें तो क्या है आपका ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड आर सोप लाइक एक्शन, बहुत सही है, क्योंकि जो आपका सेपोनिन है क्या इंडिकेट करता है, मैं हमेशा आपको बताई हूँ कि ये जो क्या बताता है कि मैं सोप हूँ, है ना, एस ओ पी, आपको क्या याद रखना है सोप याद रख लेना है। तो यहाँ पे आपको ये जो आप ऑप्शन है वो तो क्लियर है कि ये क्या है सोप लाइक एक्शन होता है, और ये साथ ही साथ हीमोलाइटिक इंडेक्स, हीमोलाइटिक इंडेक्स का क्या मतलब है, ये क्या करता है हीमोलाइसिस कराएगा। ओके, ये जो आपकी सोप लाइक प्रॉपर्टी होती है ऐसे ना क्या करते हैं हीमोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हीमोलाइटिक इंडेक्स क्या किया जाता है टेस्ट किया जाता है, उसका हीमोलाइटिक इंडेक्स देखते हैं तब जान जाएंगे कि आप सेपोनिन इसमें प्रेजेंट है। और इनका जो ए ग्लाइकोन पार्ट है केमिकली जो ए ग्लाइकोन पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्वियसली बात है ए ग्लाइकोन पार्ट में हम क्या ऐड करते हैं जेनिन ऐड करते हैं। ओके, जो भी ग्लाइकोसाइड रहे उनका ए ग्लाइकोन पार्ट में हम सफिक्स में क्या करते हैं जेनिन यूज करते हैं। इसके रिगार्डिंग क्या हो गया आपका जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट हुआ।
तो आपकी सेपोनिन ग्लाइकोसाइड में आप जानते हैं क्या होता है, जो डायस्कोरिया है वो सेपोनिन है, आपने स्टडी किया। तो ये इनमें क्या होता है, ये जो आपका हीमोटॉक्सिक, ये क्या होंगे, हीमोटॉक्सिक होते हैं, हीमोलाइसिस करते हैं, इसीलिए हीमोलाइटिक इंडेक्स इसमें चेक किया जाता है। एक ग्लाइकॉन पार्ट को जेनिन कहते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। और इनमें सोप लाइक एक्शन होता है, फोम बनाते हैं ये वाटर के साथ। ओके चलिए, तो नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर कन्फर्मेशन ऑफ स्टेरॉयडल मॉइटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी तक तो हम ये देखते थे कि ठीक है कि कौन सा स्टेरॉयडल है आपका, कौन कार्डियक है, देखा था ना हमने स्टेरॉयडल, जो आपके जितने भी ड्रग थे स्टेरॉयडल ड्रग, जैसे कि आपके डिजिटेरिस हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते थे, इनका आप स्पेसिफिक टेस्ट देखते थे। बट यदि आपको पूछा जाए जो स्टेरॉयडल मॉइटी है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट आपको यूज करना है, तो वो आपको अभी देखते हैं क्या है इसका आंसर। ऑप्शंस है लिबरमैन बर्चान टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, जेंथिड्रॉल टेस्ट एंड किलर किलानी टेस्ट। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी आपने क्या देखा था कि क्या होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या स्टेरॉयडल न्यूक्लियस रखता है, और उनके लिए टेस्ट हमें देखा था एंटीमनी ट्राइक्लोराइड देखा था, क्लियर किलाने। तो आप जरूर से कंफ्यूज होंगे कि क्या पता ये सही हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिबरमैन बर्चान टेस्ट है यहाँ पर स्टेरॉयडल न्यूक्लियस पूछा गया है। ओके, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, लिबरमैन बर्चान टेस्ट होता है वो होता है स्पेसिफिक, ये बताएगा स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है कि नहीं। ओके, वो तो आपको बता रहा था कार्डियक एक्टिविटी, तो ये कार्डियक एक्टिविटी के लिए था, जितने भी आपने क्लियर क्लाइन टेस्ट है डीऑक्सी शुगर के लिए था, ये भी देखा था हमने, ठीक है। बट यदि लिबरमैन बर्चान टेस्ट की बात करें जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करना है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब आप ऐड करेंगे तो ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको कलर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। वहीं साल्कोविस्की टेस्ट भी किसके लिए होता है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लंक्स टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लंक्स टेस्ट कौन से केमिकल के लिए होता है। ऑप्शन है बारबालोइन, एलोनोसाइड एंड आइसोबारबालोइन, एंड है आपका एलओसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइसोबारबालोइन, जो क्लंक्स है, क्लंक्स टेस्ट किसके लिए होता है, जिसे को हम क्या कहते हैं, क्यूप्रालोइन टेस्ट भी कहते हैं। आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था क्या था, क्यूप्रालोइन टेस्ट, क्यूप्रालोइन टेस्ट में क्या यूज होता है, इसीलिए इसको क्यूप्रालोइन कहते हैं, कॉपर सल्फेट यूज होता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट किसके लिए है, एलोवेरा के लिए है। एलोवेरा में जो क्या प्रेजेंट होता है, आइसोबारबालोइन जो केमिकल प्रेजेंट होता है उनके लिए ये टेस्ट किया जाता है, इसीलिए उसको क्लंक्स आइसोबारबालोइन टेस्ट कहा जाता है, जिसमें आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक, जो आपका सोडियम क्लोराइड एंड यहाँ पर 90% अल्कोहल ऐड करेंगे। ओके, तो ये क्या होता है, क्यूप्रालोइन टेस्ट भी इसी को हम कहते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन है वो जरूर से आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए उनको आपको स्टार मार्क करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज इन बालजेट टेस्ट, बालजेट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, बालजेट टेस्ट, किलर किलानी, क्लंक टेस्ट, ये सारी चीजें आपने स्टडी कर ली है। अब ये टेस्ट का क्या पूछा गया है, रिएजेंट पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, पाइरीडीन एंड सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऑप्शन बी है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पिक्रेट। ऑप्शन सी है 50% C2H5OH यानी कि अल्कोहल दिया गया है, 0.1 ml यहाँ पर दिया गया है, 0.1 ml ऑफ एम नाइट्रोबेंजीन, एंड डी है आपका कैड रिएजेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बायोलॉजी टेस्ट में आप यूज करते हैं रिएजेंट के रूप में सोडियम पिक्रेट को। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी है सोडियम पिक्रेट, वो आपका करेक्ट होगा। बायोलॉजी टेस्ट के लिए स्टडी करें तो किसके लिए होता है, डिजिटल इसके लिए, ये तो जानते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक भी देखा इसके लिए। ओके, तो सोडियम पिक्रेट जब आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन, तो ये ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देता है बायोलॉजी टेस्ट में। नेक्स्ट है स्टोपेंथस ग्रेटस इज अ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ। अभी तक आपने क्या पढ़ा, स्टोपेंथस कॉम्बी के बारे में स्टडी किया था। ओके, बट यहाँ पे पूछा गया है स्टोपेंथस ग्रेटस, तो ये किसका है भाई, ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ये जान लेते हैं। ऑप्शंस है कैस्केरा, क्वाबेन, सेन्ना एंड रेड स्क्वील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टोपेंथस ग्रेटस। तो आपको यहाँ पर छोटा सा फिर से ट्रिक लगाना है, ओ फार आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे स्टोपेंथस ग्रेटस जब पूछा जाए तो आपको क्वाबेन पर जाना है, क्वाबेन यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जानते हैं ये जो आपका जी स्टोपेंथिन इसी को कहते हैं। ओके, जी स्टोपेंथिन कहते हैं जो कि स्टोपेंथस ग्रेटस से ऑप्टेन होता है, इसके सीड का हम यूज करते हैं, फैमिली इसकी क्या है, एपोसाइनेसी, जैसे आपका स्टोपेंथस जो
कॉम्बी का था, वैसे इसका फैमिली रहेगा क्योंकि स्पीसीज भले अलग है फैमिली तो सेम है ना। ओके तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ कैस्केरा इंक्लूड, कैस्केरा का केमिकल कॉन्स्टेंट पूछा गया है। चलिए तो ऑप्शन है यहाँ पर सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, कैस्केरोसाइड, ए बी सी डी, ठीक है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कैस्केरा का क्या होगा, यहाँ पर जो आपका मेनली कैस्केरा में क्या होता है, सी ग्लाइकोसाइड और ओ ग्लाइकोसाइड दोनों टाइप की ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ कैस्केरोसाइड ए बी सी डी इसमें प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है सी ग्लाइकोसाइड और ओ ग्लाइकोसाइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ग्लाइकोसाइड है जो कि सी ग्लाइकोसाइड और ओ ग्लाइकोसाइड दोनों बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें दोनों लिंकेज है तभी जाकर इसको क्या कह रहे हैं आप, बहुत इसमें क्या प्रेजेंट है सी ग्लाइकोसाइड ओ ग्लाइकोसाइड दोनों के अंदर ये आता है। ओके इसको जरूर से ध्यान देंगे, जनरली आपने क्या स्टडी किया होगा ओ ग्लाइकोसाइड और सी ग्लाइकोसाइड के बारे में स्टडी किया है इंडिविजुअली, बट यहाँ पर यदि पूछा जाए ऐसा कौन सा ग्लाइकोसाइड है जिसमें दोनों न्यूक्लियस है, तब आपको क्या करना है, ये आपका कैस्केरा है, ठीक है कैस्केरा जो कि परगेटी की तरह यूज होते हैं, ये आपका मेनली होता है सी और ए ओ दोनों इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है नेक्स्ट चलती है, विच इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन दशमूला अरिष्ट एंड चमनप्रास, जो कि आप डेली बेसिस में यूज करते हैं चमनप्रास, कई सदियों से आप देखते आ रहे हैं चमनप्रास का कई यूज होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह, तो उसमें कौन सा इसमें से दिया गया केमिकल कॉन्स्टेंट है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है जिनसेंग, वाइट सेनेगा एंड आपका है गोखरू ऑल ऑफ द अबो, इसका करेक्ट आंसर है आपका गोखरू। ठीक है गोखरू को मेनली किसमें यूज किया जाता है चमनप्रास वगैरह में दस मूला रिस्ट में, क्योंकि ये क्या होता है ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह यूज होता है। ओके गोखरू का यूज किया जाता है किसमें, आपका ये गॉट वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज होता है, साथ ही साथ ये क्या करता है टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है। टॉनिक मींस क्या होता है, किसी भी आप टॉनिक को आप यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए करेंगे, साथ ही साथ ये क्या करता है आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके तो ये टॉनिक क्या करेगा, ये जो आपका गोखरू है आप जब भी चमनप्रास वगैरह खाते हैं तो क्या करते हैं एनर्जी फील करते हैं, लो लेस फील नहीं करते, ठीक है लो फील नहीं करते हैं, बस एनर्जी आपकी बनी रहती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह ये गोखरू है वो एक्ट करता है, साथ ही साथ डायूरेटिक प्रॉपर्टी क्या है। ओके क्या करेगा, ये आपका यूरिन का फॉर्मेशन है उसको भी इंक्रीज करता है, डायूरेटिक प्रॉपर्टी का ये होगा। ओके तो यहाँ पे जो आपका गोखरू है वो किसके लिए यूज हो रहा है, दस मोलर रिस्ट एंड चमनप्रास, ऐसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते, क्यों नहीं पूछेंगे, जो आपका चमनप्रास है दस मोलर रिस्ट इसको आप लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं, कोई भी एग्जामिनर ये चाहेगा कि आप एक फार्मासिस्ट बनने वाले हैं तो ये जो आपके कॉमन जो यूजेस है उनके बारे में पता है कि नहीं, यही आपको जानना चाहेगा, तो इन पे आप जरूर से ध्यान देंगे, जो आपके डेली बेसिस में यूज होते हैं उन पर जरूर से फोकस करें कि उनमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि आपको पूछे जा सकती है। तो और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऑल द वेरी बेस्ट।